What's up guys, welcome back to another reaction video. पृथ्वीराज हिंदुस्तान का शेर ट्रेलर आ चुका है, स्टारिंग अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, मानुष ढिल्लर. और इसका जो पहले ट्रेलर आया था पृथ्वीराज मूवी का, उसमें हमने रेट किया था. और अब इसमें भी काफी कुछ और पता लगने वाला है मेरे हिसाब से. तो सम्राट पृथ्वीराज, नो डाउट, इन्होंने बहुत कुछ किया और इनकी जो मतलब जो तरीका था ना इनका हर चीज का जवाब देने का, बहुत ही अलग लेवल का था. तो लेट्स सी द ट्रेलर फ्रॉम द चैनल वाई आर एफ. ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में. चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक. 1 2 3 गो. क्या चाहते हैं मेरे वीर? पृथ्वी युद्ध. पृथ्वी का एक एक सामंत पृथ्वीराज है. ये मेरे अधिकार की लड़ाई है और उसकी रक्षा के लिए मैं लड़ूंगी. चुप कराइए अपनी भीड़. जो औरत की आवाज को दबाए वो पृथ्वीराज चौहान नहीं. शौर्य का सूर्य है पृथ्वीराज और बाकी सब जुगनू का प्रकाश. दिल्ली ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें, जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी. अगर मैं पहला ट्रेलर और इसको कंपेयर करूं ना, तो पहला ट्रेलर एक मूवी का सब कुछ बताया कि क्या कुछ देखने को मिलेगा. गाना, रोमांस, मतलब रोमांस इन द सेंस, मतलब उनकी लव स्टोरी, शादी कब दिखाया था शादी. लेकिन जैसे इसमें मानुष ने बोला था ना कि ये लड़ाई अब मेरे स्वाभिमान की, मैं लड़ूंगी, ये उसमें नहीं दिखाया था कि इससे रिलेटेड. प्लस अब की बार जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, बीजीएम जो था, बहुत ही मतलब गूज़बम्प्स देने वाला था. प्लस अब की बार जो अक्षय कुमार का एक और लुक दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने बात करी कि जो क्या चाहते हैं मेरे वीर, ने बोला ना युद्ध. उसने भी संजय दत्त का भी यही था कि युद्ध. तो उसने बोला था ना कि पृथ्वीराज का एक एक जो था बंदे, मतलब जो उसके लोग थे उसको बोला, जो उसके योद्धा थे, एक एक वो चाहते. और प्लस इसने कहा था ना, जो औरत की आवाज दबा दे वो पृथ्वीराज चौहान नहीं. बहुत मतलब गूज़बम्प्स लाने वाली बात थी वो. और ये हमेशा हक के लिए लड़े थे, हर एक चीज थी, और मतलब खौफ नहीं था कभी भी किसी भी चीज का. और दबके, और कहा था ना हिंदुस्तान की तरफ उठी जो एक, ना वो आंखें सलामत रहेंगी, ना वो सपने. ये और ये गूज़बम्प्स, ये वाला ट्रेलर था गूज़बम्प्स वाला, नो डाउट. और इस ट्रेलर से सेट बहुत अमेजिंग कहीं ना कहीं. और जान, पिछला ट्रेलर था बहुत बढ़िया था, लेकिन इस ट्रेलर ने ना सरपास कर दिया उसको. क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़ी सी देर में, लेकिन गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स बहुत थे. और प्लस जो लड़ाई वाला सीन जो दिखाया था ना लास्ट में, एकदम शेर वाला आया था ना एंड पे जो वो. और प्लस जो एक पूरा जो सेना है जब लड़ रही थी, जो युद्ध दिखाया था, तो प्रॉमिसिंग है. और ये मूवी अच्छी जाएगी मेरे हिसाब से. बाकी आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर ये वाला, जरूर बताना. मिलते हैं कपड़े के साथ. बाय, टेक केयर.